हवाई जहाज से शुरू हुई दोस्ती धरती पे आकर शायद तितर बितर हो गई है। ऐसी ही कहानी है महागठबंधन की, क्योंकि वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा बना था। विकासशील इंसान पार्टी एक नई पार्टी है और इसकी अध्यक्षता करते हैं श्री मुकेश सहनी। मुकेश सहनी लगातार दावा कर रहे थे कि वो दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जितने कस के उन्होंने ताल ठोकी थी दरभंगा से, अब शायद वो ताल ढीली पड़ गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार ने आपको जिस तरीके से दरभंगा के सियासी रन के बारे में बताया था, इसके बाद इस बात का तो तय हो गया है कि अब मुकेश सहनी दरभंगा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैर, महागठबंधन ने खगड़िया सीट तो अपने दामन में रखा था, लेकिन इस दामन में उन्होंने उम्मीदवारी नहीं पेश की थी। अब इससे जो उम्मीदवारी पेश करेंगे वो होंगे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी पर कयास लगाया गया था कि जब दरभंगा से इनकी प्रत्याशी नहीं होगी तो इन्हें मुजफ्फरपुर दिया जाएगा। खैर, अब मुजफ्फरपुर से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मुकेश सहनी, ये हमारे विश्वास सूत्र ने बता दिया है। वहीं कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल को जब नामांकन होगा तो मुकेश सहनी दरभंगा के लिए नहीं, मुजफ्फरपुर के लिए नहीं, बल्कि खगड़िया के लिए पर्चा भरेंगे। लगातार जिस तरीके से दरभंगा सीट पर राजद हरी हुई थी, कांग्रेस हरी हुई थी, और इन दोनों के अड़ने के बाद मुकेश सहनी ने यहाँ तक कह दिया था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैर, जिस तरीके से राजद इस सीट से फातमी को लड़वाना चाहती है, वहीं कांग्रेस यहाँ से कीर्ति आज़ाद को अपना उम्मीदवार बता रही है। कांग्रेस ने कहा था कि ये उनकी परंपरागत सीट है। वहीं भाई वीरेंद्र कह रही है कि कुछ भी हो जाए, दरभंगा जो है वो आरजेडी के खेमे में रहेगा। अब इन सब के बाद मुकेश सहनी ने खुद को दरभंगा से अलग कर लिया है और अपनी उम्मीदवारी को वो खगड़िया से पेश करेंगे। आपको याद करा दें कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की दोस्ती और महागठबंधन की शुरुआत वीआईपी की हुई थी हवाई जहाज से। इसे सबसे पहले न्यूज़ बिहार ने आपको दिखाया, उसके बाद लगातार मुकेश सहनी के चेहरे पर खुशी रहती थी, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में उन्हें उनके मनोअनुसार, यानी कि दरभंगा से वो जो लड़ना चाहते थे चुनाव, उन्हें वो सीट मिलेगी। खैर, ये राजनीति है, राजनीति पल भर में पलट जाती है। ऐसे में दरभंगा के जो उनका इच्छा था चुनाव लड़ने का, वो अब खत्म हो गया है और मुकेश सहनी अपनी उम्मीदवारी अब खगड़िया से पेश करेंगे। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।